दोस्तों, अगर आप Realme 5 Pro स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। ये वीडियो मैंने स्पेशल कैमरा की टेस्टिंग के लिए ही बनाया है और मैंने इसमें आपको काफी सारे शॉट्स बताए हैं, जिसमें आपको अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि इसका कैमरा कैसा है और इसकी कैमरा क्वालिटी किस टाइप और हमें कलर्स किस टाइप के मिलते हैं, ये इस वीडियो में आपको पूरा आइडिया मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये हमें कुछ इस टाइप से मिलता है, इन दोनों वेरिएंट की, जो ग्रीन वाला और ब्लू वाला है। इनकी अनबॉक्सिंग मैंने पहले कर दी है और उसका वीडियो अपलोड कर दिया है, आपको डिस्क्रिप्शन में या फिर आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप उन्हें जरूर देखें। तो दोस्तों, अगर सेल्फी की बात करूं तो इस टाइप की सेल्फी ले लेता है। ये विदाउट पोर्ट्रेट शॉट है और इसके बाद वाला ये पोर्ट्रेट शॉट है, तो इस प्राइस टैग के हिसाब से सही सेल्फी है। और ये विदाउट पोर्ट्रेट और ये वाला पोर्ट्रेट शॉट, ये विदाउट वाइड और ये वाला अल्ट्रा वाइड शॉट। देखिए दोस्तों, किस तरह से इसने जगह को कवर किया है। और ये विदाउट वाइड और ये अल्ट्रा वाइड। दोस्तों, इस प्राइस टैग के हिसाब से मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा अभी तक कि ये फ़ोन सही है कैमरे के मामले में और परफॉर्मेंस के मामले में, और इसमें 20 वाट का चार्जर हमें मिल जाता है, तो काफ़ी अच्छी बात है। ये दोस्तों, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, डिटेल्स सही आ रही है, ज़्यादा ऐसी खास डिटेल्स भी नहीं आ रही इतनी भी, लेकिन इस प्राइस टैग के जो फ़ोन्स मैंने देखे हैं उस हिसाब से काफ़ी सही डिटेल्स है। ये देखिए दोस्तों, अलग अलग एंगल से हमने फ़ोटो खींच के देखी है और अलग अलग लाइटिंग सिचुएशन में देखे हैं। देखिए, इसे मैं जूम करके बताता हूँ आपको। ये देखिए, अक्षर अच्छे से पढ़ाई में आ रहे हैं, दूर के भी अगर जूम करते हैं तो हम। ये देखिए दोस्तों, फोकसिंग देखिए, और फोकसिंग भी काफ़ी फास्ट है दोस्तों, ऑटो फोकस भी काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है फ़ोन का। वीडियो में आगे मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये देखिए, इसने इस वाले फ़ोटो में थोड़ी गड़बड़ हो चुकी है इससे फ़ोन से, और ये वाला शॉट आप देखिए दोस्तों। इसमें फ़ोटो में थोड़ा सा मुझे एक दिक्कत ये लगी कि ओवर से जो रेटेड है, थोड़ा कलर ज़्यादा आ रहे हैं पंची, तो रियलमी से पिक कर दे तो काफ़ी अच्छी बात होगी, आप देख सकते हैं। बाकी इसमें नेचुरल फ़ोटो वाली फीलिंग नहीं आती रियलमी के फ़ोन्स में, ये सबसे बड़ी कमी है, तो रियलमी को इसे फिक्स करना ही होगा। ये देखिए, सिंगल मोड और ये अल्ट्रा वाइड मोड। उसके बाद जो अगला शॉट है, ये सिंगल और ये अल्ट्रा वाइड। देखिए दोस्तों, अलग अलग सिचुएशंस और अलग अलग लाइटिंग कंडीशन में खींचे गए फ़ोटो हैं, ये सिंगल ये अल्ट्रा वाइड, ये सिंगल और ये अल्ट्रा वाइड। तो दोस्तों, वीडियो का स्टेबलाइजेशन की अगर मैं बात करूं तो वीडियो का स्टेबलाइजेशन काफ़ी सही है इस प्राइस टैग के हिसाब से। जो अदर फोन्स आते हैं तो उसके कंपैरिजन में इसका स्टेबलाइजेशन काफ़ी सही है और क्वालिटी भी दोस्तों काफ़ी सही है। तो अगर आपको 11,700 के समथिंग या 12,000 के समथिंग कोई फ़ोन खरीदना है तो ऑफ़र में आप इसे खरीद सकते हैं, बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी स्मार्टफोन है। और दोस्तों, Xiaomi का Note 8 Pro भी आ चुका है मार्केट में, वो भी काफ़ी किलर डिवाइस है कैमरा के मामले में। वो 15,000 का लॉन्च हुआ है, 6GB 64GB वाला वेरिएंट, तो अगर उसका ऑफर आता है तो वो भी काफ़ी कॉम्पीट करेगा Realme XT और Realme 5 Pro को, तो आप चाहें तो उस पर भी जा सकते हैं अगर वो 10% डिस्काउंट में कभी किसी सेल में मिलता है तो। और दोस्तों, ये मैंने वीडियो थोड़ा दौड़ कर लिया है, दौड़ कर शूट किया है, तो इसमें जो स्टेबलाइजेशन है वो मैं इतना हाई लेवल का नहीं कहूँगा, लेकिन इस सिचुएशन में इसने वीडियो को काफ़ी स्मूथनेस से हैंडल किया है। तो दोस्तों, ओवरऑल इसका कैमरा प्राइस टैग के हिसाब से मैं सही कहूँगा। दोस्तों, आपका कोई सवाल और सुझाव हो तो कमेंट जरूर करें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।